कोरबा में खस व्यापारियों पर फिर पड़ी लॉकडाउन की मार, धंधा हुआ चौपट। 10 दिनों तक सड़क किनारे गुजारनी होगी जिंदगी। सड़क किनारे खरीदारों की राह देखते 4 पैसे की आस में बैठे खस कारीगरों की जिंदगी निराशा के दौर से गुजर रही है। महाराष्ट्र के गोंदिया और नागपुर जिले से आए 13 परिवारों के लोग ने सड़क किनारे माह भर पहले से डेरा डाल रखा है। कारीगर हर साल शहर आते हैं, लेकिन इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण की मार ने कारीगरों का कारोबार को चौपट कर दिया है। सामान साथ लाने के कारण उन्हें वापस जाते भी नहीं बन रहा है। अब 10 दिनों तक सड़क किनारे किसी तरह दिन गुजार कर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करना होगा। दीगर दिहाड़ी मजदूरों की तरह खस कारीगरों के कारोबार को कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया है। सब जो बेचे हुए जो जमा पूंजी है उन्हीं में से अब खर्च भी लाना पड़ रहा है, फिर तो दिक्कत ही है सर। इतना सारा माल पैसा लगा के लेके आए वो सब मतलब ये गर्मी का सीजन है, सीजनेबल काम है हमारा, तो माल कुछ बचेगा तो फिर तो लॉस ही है उसमें। इस बार जो ऐसी सेम स्थिति है, हम लोग 4 ठो है यहाँ पे, मतलब मम्मी पापा है, मेरी सिस्टर है और मैं और भी खास वाले हैं, वो हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं। ओके, लेकिन सब अलग अलग मतलब अलग अलग गाँव से आए हैं वो। सीजन भर में प्रति वर्ष 40 से 50 हजार की खस बेचकर वापस लौटने वाले कारीगरों के पास खस तो है, लेकिन उसे खरीदने वाले नहीं है। हम महाराष्ट्र से आए सर, खस बेचने आए थे। अभी धंधा पानी कुछ चल नहीं रहा, तो खाने के लिए बहुत दिक्कत है सर। और ये अभी रोजी रोटी कुछ चल नहीं रहा, माल जैसा का वैसा पड़ा है, हम बहुत मुसीबत में आए सर जी। फिर इंतजार आप लोग कर रहे, लॉकडाउन खुलेगा तो आप लोग रोजगार करेंगे? गए साल अभी हमारे पास तो शासन के लोग आए थे, अभी वो 5-5 केजी माल दिए थे, अभी ये साल में कुछ मिला ही नहीं रहा। अभी हम बहुत परेशान हैं, अभी खाने में और कुछ मिल नहीं रहा और धंधा पानी कुछ चल नहीं रहा सर। अप्रैल माह आते तक आधे से ज्यादा स्टॉक समाप्त हो जाता था। हालिया स्थिति यह है कि आधे दिन बाजार खुलने से दिन भर की मजदूरी नहीं मिल पाती। बीते वर्ष भी लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ी थी। कुछ समय की छूट होने पर लॉकडाउन के अंतराल में जरूरी सामान खरीदी के लिए निकलने वाले लोग ऑर्डर दे जाते हैं या बना हुआ खस ले जाते हैं। इस बार तो पूरे 10 दिन तक कड़ाई से लॉकडाउन कर दी गई है, सामान भी ले आए हैं। अब बाजार खुलने के इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। 3 सेट में बिकने वाले खस की कीमत 200 रुपए है। पूरे परिवार के साथ शहर में रह रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के कारण लॉकडाउन बढ़ रहा है, उससे इस सीजन में पूरे खस को बेच पाना मुश्किल लग रहा है। गर्मी में बिक्री किए जाने वाले खस को तैयार करने में 3 माह का समय लगता है। कारीगरों का कहना है कि हल्के लकड़ी से रेशा निकालने अथवा जंगली जड़ी से तैयार खस को मुकम्मल रूप देने में पूरा परिवार लगा रहता है। सामान को तैयार कर शहर तक लाने में जितनी लागत लगती है, उसकी भरपाई हो पाना मुश्किल है। शहर में जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उससे मजदूरी भी नहीं मिलेगी लग रहा है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।